जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुनव्वर फारूकी को पहले दिन से जिस बात का डर था ना, वही चीज हो गई। अनुराग डोभाल एकमात्र ऐसा कंटेस्टेंट दिखाई दे रहा है फिलहाल बिग बॉस के घर में, जो कि मुनव्वर फारूकी को सबसे ज्यादा कड़ी टक्कर देता, और वही चीज निकलकर सामने भी आ गई। दरअसल बिग बॉस में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि टीवी वर्सेज यूट्यूबर्स की लड़ाई वहां पर शुरू हो चुकी है। मुनव्वर फारूकी क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी के साथ जाकर खड़ा नहीं हुआ, तो इसलिए उसकी निष्ठा के ऊपर सवाल भी खड़े हो चुके हैं। ये सब चीजें कहीं ना कहीं मुनव्वर फारूकी के लिए काफी नेगेटिव पॉइंट्स को बढ़ा रही है। पब्लिक के बीच में पॉपुलैरिटी अच्छी है मुनव्वर फारूकी की, लेकिन बिग बॉस ओटीटी के विनर रहे एल्विश यादव का सपोर्ट पूरी तरीके से UK07 के साथ में है, तो ऐसे में एल्विश की आर्मी भी उसी का सपोर्ट करेगी। दरअसल बिग बॉस 17 में शुरू हुए, अब करीब एक हफ्ता होने वाला है। शो के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 13-14 कंटेस्टेंट नहीं बल्कि पूरे 17 कंटेस्टेंट को शो में जगह मिली। अब पहले हफ्ते में किन कंटेस्टेंट ने दर्शकों का दिल जीता है, इसे लेकर बिग बॉस मीटर ने बात बता दी है कि वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो सबसे ज्यादा छाया रहा, जिसे दर्शकों ने पसंद किया। बिना कंफ्यूजन हुए जान लीजिए कि बिग बॉस 17 का मीटर आखिर है क्या। दरअसल मेकर्स ने ओटीटी व सोशल मीडिया पर ट्रेंड के हिसाब से एक वोटिंग करवाई, जहां सबसे ज्यादा वोट्स पाने वाले खिलाड़ी विजेता बन गया। बिग बॉस 17 के बॉस मीटर के पहले विनर का ऐलान हो चुका है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ने बॉस मीटर के विनर का ऐलान किया। इस रेस में जीतने वाले कंटेस्टेंट का नाम है अनुराग डोभाल, जिसे हम लोग बाबू भैया या फिर UK07 के नाम से भी जानते हैं। ये रिजल्ट सिर्फ पहले हफ्ते का है। बाबू भैया पेशे से यूट्यूबर हैं, मोटो ब्लॉगर हैं, और उसकी तगड़ी खासी पॉपुलैरिटी है सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिलती है, और इसी का फायदा उनको इस पोल में भी मिला। एल्विश यादव का भी उनका सपोर्ट पूरा है। हालांकि एक लंबे समय तक मुनव्वर फारूकी नंबर वन पे रहे थे, लेकिन एंड मौके पर अनुराग डोभाल ने बाजी मान ली। अब अनुराग की दाद देनी इसलिए भी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने टीवी की पॉपुलर बहुओं मुनव्वर फारूकी जैसी शख्सियत को मात देते हुए ये पोजीशन हासिल करी है। बॉस मीटर में मुनव्वर फारूकी ही सबसे आगे चल रहे हैं। टॉप फाइव की अगर हम बात करें तो इन्हें मुनव्वर फारूकी, अनुराग डोभाल है, अंकिता लोखंडे, ईशा मालवीय और मनारा शामिल थे। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है कि आखिर ये बॉस मीटर क्या है, तो आपको बता दूं कि एक तरह का ट्रेंड है जो सीजन तक सोशल मीडिया पर चलेगा। इसमें दर्शकों के वोट तय करेंगे कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर या टॉप कंटेस्टेंट शामिल रहा। इस ट्रेंड के लिए फैंस अपने चहेते कंटेस्टेंट के लिए यूनिक हैशटैग के साथ कमेंट करते हैं। किस कंटेस्टेंट के फैंस सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, वही बताता है बॉस मीटर कि भैया कौन जीत रहा है। हो सलमान खान, वैसे भी कई सारे कंटेस्टेंट क्लास लगाने वाले हैं। अगर हम शनिवार की बार की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर ईशा मालवीय का भांडा फोड़ भी करते दिखेंगे। शो के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो सबके सामने, जिसमें वो ईशा से कहते हुए दिखते हैं खेल रही हो। दरअसल बिग बॉस 17 वीकेंड का वार में मंच पर टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन आएंगे अपनी फ्लॉप हो चुकी मूवी का प्रमोशन करने के लिए। ये दोनों सलमान खान के साथ काफी मस्ती करेंगे। टाइगर और कृति यहां पर अपनी फ्लॉप हो चुकी मूवी गणपत को प्रमोट करेंगे। इसके अलावा शो में कंगना अपनी मूवी तेजस को प्रमोट करने के लिए भी आएंगी। वैसे तो कंगना और बॉलीवुड का 36 का आंकड़ा है, लेकिन बीते महीनों में उन्हें सलमान की तारीफ करते और उनके घर पर होने वाले फंक्शंस में आते जाते देखा गया है। इसीलिए माना जा रहा है कि कंगना ने भी हवा के साथ अपना रुख बदल लिया है। इस प्रोमो में देख सकते हैं कि सलमान खान ईशा मालवीय की क्लास लगाते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप आरोप लगा रही थी कि गुस्सेल है, वो कितने सीरियस एलिगेशंस हैं, खेल रही हो। ये सुनकर ईशा जवाब देती है कि मैं उससे अपने आप को पूरी तरह से अलग नहीं कर सकती। इसके बाद सलमान ने मनारा चोपड़ा का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि मनारा को आप सेल्फ ऑब्सेस्ड कहती हो, जबकि आपकी हर हरकत ये दिखाती है कि इस घर में आज तुम सबसे ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान। जाहिर सी बात है, यहां पर शनिवार के वार में काफी सारी चीजें होने वाली है और काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड भी होने वाला है। सलमान खान यहां पर अब किसकी और ज्यादा क्लास लगाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और मुनव्वर फारूकी अनुराग डोभाल से की जो हार मिली है, उस हार को कैसे पचाएगा, ये भी देखेंगे। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।